हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सुमो कोल्ड टैबलेट के बारे में। सुमो कोल्ड टैबलेट के बारे में आज हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, जैसे इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे यूज़ करना है, इसकी डोज क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी है और भी बहुत कुछ इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखें। मेरा नाम शिवपाल कुमार है, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। यदि आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस मेडिसिन के कंपोजिशन के बारे में। तो सुमो कोल्ड एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। इसमें पैरासीटामोल 500 mg है, फिनाइलिफिरिन हाइड्रोक्लोराइड इसमें 5 mg है, कैफीन इसमें 30 mg है और डाइफेन हाइड्रामाइन इसमें 25 mg में इसमें प्रेजेंट है। तो ये इसका कंपोजिशन है। प्राइस के बारे में बात की जाए तो 37.40 रुपये पर 10 टैबलेट इसका प्राइस है और ये एल्केम हेल्थ साइंस का ब्रांड है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सुमो कोल्ड टैबलेट एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये कॉमन कोल्ड और फ्लू के अलावा सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी आना, गले में खराश होना, छींकें आना और नाक बहना, इस प्रकार की समस्याओं को ये ठीक करती है। अब हम बात करेंगे इसकी डोज के बारे में, कितनी डोज पेशेंट को दी जाती है। तो नॉर्मली एडल्ट के लिए एक एक टैबलेट दिन में 2 बार दी जाती है। खाना खाने के पहले भी दी जा सकती है और खाना खाने के बाद भी दी जा सकती है, लेकिन कोई भी मेडिसिन का यूज़ करने से पहले आपको डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी है, क्योंकि हर पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे मरीज का वेट कितना है, मरीज की एज क्या है, मरीज की मेडिकल कंडीशन क्या है और रोग की गंभीरता कितनी है, इस पर डोज डिपेंड करती है। इसलिए हर पेशेंट की डोज अलग अलग होती है, इसलिए आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो सुमो कोल्ड टैबलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, स्टोमक पेन, हेडेक होना, इंसोमनिया की प्रॉब्लम होना, नींद ना आना, इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस मेडिसिन से देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी प्रिकॉशंस के बारे में, इसकी सावधानियों के बारे में, आपको क्या क्या सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए इस टैबलेट का यूज़ करने से पहले। तो सबसे पहला सावधानी तो आपको यही ध्यान में रखना है कि इसका यूज़ करने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना है। यदि किसी पेशेंट को इस मेडिसिन से एलर्जी होती है तो उस पेशेंट को इसका यूज़ नहीं करना है। यदि किसी पेशेंट को किडनी से संबंधित या लीवर से संबंधित कोई बीमारी है तो ऐसे पेशेंट को भी इसका यूज़ नहीं करना है। प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में भी डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करना है। ड्राइविंग करते समय इस टैबलेट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, या इस टैबलेट के यूज़ करने के बाद ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। एल्कोहल के साथ इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ अदर मेडिसिन के साथ भी इस टैबलेट का यूज़ नहीं करना चाहिए। कौन सी मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं इसके बारे में आपको अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से ज़रूर बताना चाहिए, उसके बाद ही इस टैबलेट का यूज़ करना चाहिए। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। तो ये थी जानकारी सुमो कोल्ड टैबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो आप हमको कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।